मैं स्टार्टिंग में तो तीन टीचर थे, पंकज सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, कुंदन सर मैथ पढ़ाते थे और रोहित गुप्ता सर फिजिक्स पढ़ाते थे। पंकज सर तो केमिस्ट्री, मैंने पंकज सर से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, एकदम मतलब कि बहुत अच्छे से याद हो गई थी। मतलब अगर केमिस्ट्री में नंबर आए हैं तो उन सर की वजह से आए हैं। मतलब जिसका जो बंदा बोलते हैं कि 11th वेस्ट हो गया मेरा, तो वो ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन कर सकता है। हाँ, उसके लिए तो पूरा एकदम कहते हैं ना कि उसके लिए वो पूरा रामबाण है इस टाइप से। मेरे को और एक डाउट था, जब मैं कर रहा था ना सच में, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, जब मैं 11th में था तब मैंने जो देखे थे वीडियोस, तो मुझे लगता था कि वो मेंस लेवल गए पढ़ा रहे, तो मेरे को जस्ट ये डाउट क्लियर करने की एडवांस लेवल पढ़ा रहे वो लोग, मेंस लेवल पढ़ा रहे क्या पढ़ा रहे मतलब। सो हेलो एवरीवन, दिस इज समर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड वेलकम बैक टू येट अनदर पॉडकास्ट। टुडे वी हैव विद अस दीपक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है एंड ही इज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स वाला, तो हम फिजिक्स वाला का भी थोड़ा एंगल डिस्कस कर लेंगे। बाकी उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो वो तो पूरे ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। सो वेलकम टू द शो दीपक। हेलो समर्थ। तो अब तेरी जय स्टोरी से चालू कर देते, तो How you started, मतलब कैसा था तेरा? तो मैं 10th तक तो मुझे जेई के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। हमारे एक अंकल हैं पापा के दोस्त, उन्होंने बताया कि एक स्कूल है MVN मॉडर्न विद्या निकेतन, उनका एक पेपर होता है, स्कॉलरशिप देता है वो, और वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करवाता है जेई की। अच्छा। तो मैंने वो पेपर दिया, तो पेपर 10th में ही होता है, वो 9th के बेसिस पे होता था। तो पेपर दिया, पहले अटेम्प्ट में मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, 0% स्कॉलरशिप थी। और फिर जब दोबारा अटेम्प्ट दिया तो 100% स्कॉलरशिप मिली मुझे। तो इसमें ये दिक्कत थी कि जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हीं को पढ़ाते थे, बिना स्कॉलरशिप वालों को जेई का नहीं पढ़ाते थे, बोर्ड का पढ़ाते थे। अच्छा, मतलब वो ऐसा स्कूल था क्या, मतलब बोर्ड और जेई दोनों चलते थे एक साथ? हाँ, मतलब जेई का भी करवाते थे थोड़ी, मतलब प्रिपरेशन करवाते थे जेई की वो। अच्छा। तो वहां से मैं कर रहा था 11th में, फिर जब 100% स्कॉलरशिप में हो गया तो वहीं पर कर रहा था। मैथ भी सही पढ़ाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री सब सही पढ़ाते थे। और 11th में मैं तो लगभग वैसे ही रहा था जैसे नॉर्मल जेई स्टूडेंट जो रहता है, ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से जा रहा था। और 10th के बाद 11th में काफी गैप हो जाता है, काफी डिफरेंस है सिलेबस का भी। अच्छा। तो थोड़ी सी मतलब काफी दिक्कत आ रही थी, नंबर भी ज्यादा अच्छे आ नहीं रहे थे जो मेंस के उस वक्त मैं देता था पेपर। और तेरा कुछ बैकलॉग उसका उस टाइप का सीन हो गया था क्या? हाँ हाँ, बैकलॉग हो जाता था, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन खुद से रिवाइज या प्रैक्टिस करने का काफी कुछ रह जाता था पीछे। अच्छा। तो इसलिए बैकलॉग रहता था। एंड बाकी मॉक टेस्ट में कितने आते थे 11th में? 11th में मॉक टेस्ट में उस हिसाब से ज्यादा दिए नहीं थे, लेकिन जितने भी दिए थे 11th में तो पार्शियल सिलेबस का देना होता था जितना कवर हुआ है, तो उसमें भी ज्यादा अच्छे नहीं आते थे, 360 में से 60-100 इस टाइप से आते थे, ज्यादा अच्छे नहीं आते थे। मतलब तेरी कैसी थी, बिलो एवरेज, एवरेज क्या बोलेगा? 11th मेरी थी तो एवरेज, लेकिन मार्क्स बिलो एवरेज आते थे। अच्छा, तो तूने 11th में रेगुलर स्कूलिंग की थी क्या? हाँ, 11th में रेगुलर स्कूलिंग थी, स्कूल में ही जेई का पढ़ाते थे, लेकिन घर पे भी मैं जेई का पढ़ता था, बोर्ड का उस हिसाब से करता था थोड़ा बहुत, लेकिन उस हिसाब से ज्यादा नहीं किया था, जेई का ज्यादा किया था मैंने। और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन करके कब से चालू हुआ, मतलब 12th में तो अपना कोविड आ गया? हाँ, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में मेरे को ऑनलाइन की वजह से काफी फायदा हुआ है। अच्छा। इसमें ऐसा होता था कि जैसे ऑफलाइन है, हम जा रहे हैं स्कूल, किसी टीचर का नहीं समझ में आया, लेकिन हमें फिर भी उनकी क्लास में बैठना है, उतने टाइम हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में हम उतने ही टाइम में हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। So this video is brought to you by PW. PW is India's most trusted and most reliable education platform for the preparation of JEE, NEET and अभी तो उन्होंने NDA, board exams इसकी भी preparation चालू कर दी। PW provides the best content for your preparation at the lowest point price in India. उनके content आपको just ₹99 से ₹4200 के affordable range में मिल जाते हैं। PW का simple mission है education for all. India के हर city, हर village के बच्चे तक quality education पहुंचाना। PW के कोर्स हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल बनाना, इसलिए अभी वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपने कंटेंट बना रहे हैं। PW के स्टडी मटेरियल्स उनके टॉप फैकल्टीज ने खुद अप्रूव किए हुए एंड वो इनफ है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ आपको मिलता है टेस्ट सीरीज का सपोर्ट, लाइक स्टडी मटेरियल सॉल्व करना इनफ है, लाइक आप कोई भी स्टडी मटेरियल सॉल्व कर सकते हो, आपको बुक सॉल्व करने चाहिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टेस्ट सीरीज। आपको आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है हर टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो, तो उसके लिए आपको रेगुलरली टेस्ट देने चाहिए एंड PW प्रोवाइड करते हैं आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज,
तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके प्रिपरेशन रिलेटेड पीडब्ल्यू के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो जरूर ज्वाइन करो एंड यूज माई कूपन कोड SAM150 टू गेट 150 रुपीज ऑफ इंस्टेंट डिस्काउंट। फिर 12th हुआ, 12th में 12th का स्टार्ट ही मतलब 11th का रिजल्ट ही आया था कि लॉकडाउन लग गया। मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में फिर स्कूल शिफ्ट हो रहा था ऑनलाइन में, ऑनलाइन होते होते 15-20-25 दिन निकल गए लगभग। फिर ऑनलाइन उनका कर रहा था, ज्यादा कुछ ऑनलाइन में इतना इफेक्टिव था नहीं ऐसे स्कूल की स्टडी, लेकिन खुद से पढ़ने में ऑनलाइन वो ज्यादा सही था। और फिर एक महीने बाद पता चला मई में अलग पांडे सर ने लक्ष्य बहस निकाला। अच्छा, तो मतलब उससे पहले तो यूट्यूब से नहीं पढ़ता था क्या? नहीं नहीं, फिजिक्स वाला का मैं यूट्यूब से 10th का भी पढ़ता था। अच्छा। क्योंकि वो बोर्ड का पढ़ाते थे 10th के बोर्ड का। अच्छा। और वैसे मैं पढ़ता था यूट्यूब पे, लेकिन उस वक्त उनका ऐप लॉन्च हुआ था। और 11th में भी तूने कुछ पढ़ा था या स्कूलिंग ही की थी? 11th में स्कूलिंग की थी और फिजिक्स वाला का भी पढ़ा था ऑनलाइन जो यूट्यूब से पढ़ाते थे। और कोई और चैनल फॉलो किए थे तूने 11th? नहीं, और कोई चैनल फॉलो नहीं किए थे 11th में, सिर्फ फिजिक्स वाला का ही किया था। लक्ष्य बैच का सब्सक्रिप्शन लिया जिसमें सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते थे वो। अच्छा। फिजिक्स भी बोर्ड का लेवल और जेई नीट और जेई एडवांस का पूरा टच करवा देते थे कि हाँ थोड़ा बहुत आ जाएगा। टच कराना मतलब कितना बोलेगा कि टच मतलब 30-40% तक आ जाता था जेई एडवांस का, क्योंकि उस वक्त सर के पास फैकल्टी भी नहीं आए थे, अकेले ही करवा रहे थे और टेक्निकल इशू इतनी आई थी स्टार्टिंग में। अच्छा, हाँ, उनका स्टार्टिंग में नया नया ऐप लॉन्च किया था, तो पहला एक महीना कुछ ऐसे ही टेक्निकल इशू आ रहे थे। हाँ, स्टार्टिंग में 20-25 दिन बहुत बुरी तरीके से टेक्निकल इशू आए थे कि क्लासेस ही नहीं हो पाते थे, लेकिन फिर भी बच्चों ने भी सपोर्ट दिखाया, सर भी पूरा हार्ड वर्क कर रहे थे। वो है भाई, पीडब्ल्यू की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, उतना उनका तो उतना प्लस पॉइंट है। बाकी का क्या सरा मतलब? तूने सिर्फ लक्ष्य बैच ज्वाइन की थी क्या? नहीं नहीं, फिर लक्ष्य बैच ज्वाइन किया। लक्ष्य बैच में सही कुछ कैपेसिटर तक मेरा कवर हो गया था, सर ने कैपेसिटर तक करवाया था, 11th पूरा करवाया, 12th का इतना कैपेसिटर तक पहुंचे थे। फिर पता चला कि सर ने यकीन बैच लॉन्च किया है बायोलॉजी वालों के लिए। अच्छा। जो नीट देंगे। मुझे ये था कि फिजिक्स तो सर करवा रहे हैं लक्ष्य बैच में, मैथ और केमिस्ट्री में स्कूल से करता था, लेकिन ये था कि सर भी अगर केमिस्ट्री और मैथ करवा दें तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री जेई और नीट में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो इसलिए मैंने ना नीट वाला बैच सब्सक्राइब कर लिया, यकीन नीट बैच वाला। हाँ, क्योंकि मुझे मुझे ये डाउट था कि सर जेई का पता नहीं कब निकालेंगे, कम से कम उनका इनिशियल स्टेज उनका इनिशियल स्टेज था, फिर ये था कि नीट का कब जेई का कब निकालेंगे, तो इसलिए मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के लिए नीट वाला बैच कर लिया। भले ही डिफरेंस होता है थोड़ा सा, जेई वाला डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो उनकी भी क्लासेस की थी मैंने अटेंड। फिर यकीन बैच ज्वाइन किया, उसके लगभग 1-1.5 महीने बाद सर ने प्रयास बैच लॉन्च कर दिया, जो कि जेई वाला वो ड्रॉपर्स वाली बैच है, सब कुछ तो है ना? हाँ हाँ, ड्रॉपर बैच। तो तूने ड्रॉपर का ज्वाइन किया था 12th में? हाँ हाँ, मैंने ड्रॉपर ज्वाइन किया था। मैं ड्रॉपर सजेस्ट करेगा कुछ लोगों को कि 12th में जो बच्चा है उसको क्या करना चाहिए, जिसका 11th में बहुत बैकलॉग है, तो उसको ड्रॉपर बैच ज्वाइन करनी चाहिए या रेगुलर स्कूलिंग रेगुलर बैच ज्वाइन करनी चाहिए? जैसे रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ड्रॉपर बैच काफी फायदेमंद रहा था, क्योंकि उतने ही टाइम में वो पूरा 11th का भी रिवीजन 12th का भी रिवीजन अच्छा खासा हो जाता है। और सर मतलब कि वो नाम का ड्रॉपर था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था सारे टॉपिक। अच्छा। ऐसा नहीं था कि ड्रॉपर है तो जल्दी जल्दी निपटा दिया, इसलिए ड्रॉपर बैच से काफी फायदा हुआ। मतलब जिसका जो बंदा बोलते है कि 11th वेस्ट हो गया मेरा, तो वो ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकता है? हाँ हाँ, उसके लिए तो पूरा एकदम कहते है ना कि उसके लिए वो पूरा रामबाण है इस टाइप से। अच्छा। और टीचर्स कैसे थे पीडब्ल्यू में? मैं स्टार्टिंग में तो 3 टीचर थे, पंकज सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, कुंदन सर मैथ पढ़ाते थे और रोहित गुप्ता सर फिजिक्स पढ़ाते थे। अच्छा। तो इनसे रोहित गुप्ता सर वही का मैंने उनका एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 in 4 months ऐसा कुछ, वही है क्या वो सर? वो ऐसा स्टोरीज बताते हैं बहुत अच्छी अच्छी। हाँ, स्टोरी तो वो बताते थे, लेकिन उन्होंने फिजिक्स इतने अच्छे से बताई थी। इनिशियल में यही 3 टीचर थे, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते। तो भाई मैंने लास्ट टाइम भी एक बंदे का पॉडकास्ट लिया था जो पीडब्ल्यू में आया, पीडब्ल्यू का था,
वो भी बहुत बता रहा था पंकज सर के बारे में। हाँ वो मेरे ही बैच का है। अच्छा मैंने भी उन्हीं से, वो मेरे साथ ही पढ़ा था मतलब। अच्छा। फिजिक्स वाला में एज अ ग्रुप में। तो पंकज सर तो केमिस्ट्री, मैंने पंकज सर से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी एकदम, मतलब कि बहुत अच्छे से याद हो गई थी। मतलब अगर केमिस्ट्री में नंबर आए हैं तो उन सर की वजह से आए हैं। अच्छा। एंड बाकी कुछ नहीं फॉलो किया क्या तू फिर? बाकी फिर किताब, हाँ पीडब्ल्यू से किया। और फिर पीडब्ल्यू में फिर एक कोलैबोरेशन हुआ था मोहित त्यागी सर के साथ कॉम्पिटिशन में जो है। अच्छा वो भी आए थे क्या? हाँ एक एक वीडियो उनकी भी आई थी मैथ की, फिजिक्स वाला की तरफ से। अच्छा। तो मेरे को फिर मोहित त्यागी सर का पता चला फिजिक्स वाला के थ्रू। तो फिर मैंने उनके चैनल पे गया, उनके चैनल पे मैंने आलोक सर की वीडियो देखी केमिस्ट्री में। वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने मतलब उनकी ट्रिक इस हिसाब से थी, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन बहुत जल्दी याद हो गई मेरे को। हाँ। तो उनकी इनऑर्गेनिक मैंने की थी। मोहित त्यागी सर का चैनल बहुत सही है, उसमें सब डाल रखा है उन लोगों ने। हाँ हाँ उन्होंने तो मतलब काफी डाल रखा है, बहुत सारा डाला है। और कौन से और कोई YouTube चैनल फॉलो किया था तुमने? नहीं बस ये दो। बाकी मोहित त्यागी सर का कोई तो कोर्स भी है ना, जे मेंस टू जे एडवांस में, वो कुछ तो फ्री भी आया गया 98। हाँ वो आया था लेकिन वो मेंस के बाद आया था, पहले मेंस का। अच्छा तूने लिया था क्या वो? अच्छा वो कोर्स के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी जस्ट जे की बातें करती तो ठीक है। तो मॉक टेस्ट और वो तो कैसे चल रहा तेरा फिर? इस फेज पे तेरा क्या चल रहा था मतलब एकेडमिक्स, किस लेवल पे था? 11th में तो तेरा मतलब एवरेज। इस टाइम पे ना एवरेज से अच्छा हो गया था मतलब। अच्छा। काफी ठीक ठाक प्रिपरेशन चल रही थी, वीकली टेस्ट होते थे फिजिक्स वाला के, या फिर मैं मॉक टेस्ट वैसे दे देता था जो टेलीग्राम पे मिल जाते हैं दूसरे कोचिंगों के। अच्छा। तो वो सब दे देता था, तो उसमें नंबर तो कम आते थे, कम का मतलब है कि ठीक ठाक वाले, जैसे 50% मेंस में नंबर आ गए इस हिसाब से, 300 में से 100 नंबर 120 इस हिसाब से आते थे। बट वो फिजिक्स वाला का मतलब मैंने देखा था टेस्ट, मॉक टेस्ट उनका, मुझे तो बहुत इजी लगा भाई मॉक टेस्ट उसमें। और मैंने बच्चों के नंबर देखे वहां के, मतलब 250 पे उनका 2-3 रैंक बन रहा है, मतलब 300 आउट ऑफ 250। हाँ वो मार्क्स भी बहुत अच्छे आते उनके स्टार्टिंग का था ना, तो थोड़ा सा पेपर उनका इजी लगता था, पता नहीं। एक तो किए हुए सवाल देते थे, थोड़े फेमस क्वेश्चन देते थे जिनका आंसर याद रहता था। हाँ। और कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे, इनिशियल फेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तब तो आसानी से जाते थे ना। अब जब उसी टाइम जब धीरे धीरे टाइम आया पास मेंस का, उनके पेपर डिफिकल्ट होने लग गए। अच्छा। तो मेंस से भी थोड़े डिफिकल्ट हो गए। मैंने एक पेपर देखा था मेरे टाइम पे, तो मेरे को तो बहुत इजी लगा था। हाँ वो स्टार्टिंग वाला तुमने देखा होगा। और एक डाउट था जब मैं कर रहा था ना सच में, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, जब मैं 11th में था तब मैंने देखे थे वीडियोस, तो मुझे लगता था कि वो मेंस लेवल का पढ़ा रहे। तो मेरे को जस्ट ये डाउट क्लियर करने की, एडवांस लेवल पढ़ा रहे वो लोग, मेंस लेवल पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे मतलब कैसे पढ़ा रहे? वो एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, मतलब कि एडवांस के क्वेश्चन इजी लगेंगे अगर उनके कंसेप्ट से अगर हम चलेंगे, तो एडवांस के क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। बंदा रिलैक्स कर सकता है क्या? हाँ, तेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, सिर्फ नो प्रेशर, जस्ट तेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। तू क्या सजेस्ट कर रहा है? कोई बंदा पूरा एडवांस का निकाल सकता है जस्ट स्पीड? हाँ, सिर्फ अब तो फिजिक्स वाला का पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में हो गया। तब जब मैंने किया था तब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था नहीं, लेकिन काफी हद तक था। और तब जब निकल रहे थे तब भी 1500 प्लस सिलेक्शन आए। अब तो पूरा ऑर्गेनाइज हो गया, अब तो बहुत सारी फैकल्टी है, पूरा मॉड्यूल है उनका, स्टडी मटेरियल है। अब तो सिर्फ फिजिक्स वाला का ही करके और कुछ भी ना करें, उन्हीं के मटेरियल सॉल्व करें, तो एडवांस में अच्छी रैंक आ सकती है आसानी से। उनके सिलेक्शंस भी है वैसे। हाँ इनिशियल फेज में ही पहली बैच में उनके 1500 प्लस सिलेक्शन हुए, तो ये उस वक्त उनका ज्यादा स्टडी मटेरियल भी नहीं आया था। तेरा कैसा रहा बाकी? चल ये तो हो गया पीडब्ल्यू एंड मोहित त्यागी सर का, बाकी तेरा कैसा रहा जर्नी? मतलब कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए तेरे? हाँ बीच में जब कम नंबर आते थे तो एक तो स्टडी मटेरियल मैंने जो फॉलो किया था उसकी बात कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने स्कूल में हमें बताया था एमएल खन्ना थोड़ी आउटडेटेड थी, लेकिन उसके क्वेश्चन काफी अच्छे होते थे। अभी वो तो बहुत मतलब 20 साल पुरानी। हाँ वो तो 20 साल पुरानी होगी, लेकिन उसके मैंने किए थे। बाकी मैंने सिंगेज का किया था, सिंगेज बहुत अच्छी किताब है। अरे मैं तो फैन हूँ भाई सिंगेज का। हाँ वो जो भी मुझसे पूछता है ना कि बुक्स बताओ, मैं तो सिंगेज बता दो हर बार। हाँ वो तीनों सब्जेक्ट में बिल्कुल एडवांस तक है सिंगेज, अगर उसे पूरी कर लो तो काफी अच्छा। सिंगेज ऐसी बुक है ना जो बंदा खुद पढ़ सकता है पूरी। हाँ हाँ अगर तुम बाकी अरियंत की आती है डीसी पांडे, बट
वो खुद से नहीं पढ़ सकते आप पूरा, मतलब हाँ। पढ़ सकते बट इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। सिंगे पूरा खुद से पढ़ लो पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ। उसमें इतना थियरी इतना दिया हुआ है एंड इल्यूस्ट्रेशन भी उस लेवल के ना समझ में आ ही जाएगा गारंटेड। और तो फिर ये सिंगेज मैंने तीनों सब्जेक्ट में किया था, पूरा पूरा नहीं किया था यार, लेकिन कोई नहीं करता है, पूरा तो हो ही नहीं पाता है इतना सारा है। बड़ी भूल के कोई नहीं कर रहा है। और उसके बाद मैंने किया था डीपीपी किया था दिशा पब्लिकेशन की, डीपीपी हाँ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो पूरी एक किताब आती है, मैंने पीडीएफ लेके प्रिंट निकाल के किया था। अच्छा। तो मेंस वाली अलग डीपीपी आती है और एडवांस वाली अलग डीपीपी आती है। तूने कौन सी ली थी? हाँ मैंने दोनों की थी, मेंस के टाइम पे मेंस किया था, एडवांस के टाइम पे एडवांस का किया था। उसमें ऐसा होता था चैप्टर वाइज देते थे, मेंस का है तो मेंस के जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं 25 करने होते हैं, इस हिसाब से वो भी था। और लास्ट के 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल और स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, उस हिसाब से मैंने हर एक चैप्टर के किए थे और हर एक सब्जेक्ट में पीसीएम। अच्छा। एक तो ये था और एक ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम आता था डीपीपी जैसा ही होता है। हाँ कौन सा पब्लिकेशन का वो भी दिशा पब्लिकेशन का ही था। अच्छा। वो एडवांस के लिए था लेकिन। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना था पहले। हाँ ये भी मेरे को उस वक्त नया नया मिला था, लेकिन जब मैंने उसका क्वेश्चन देखे ना एडवांस जैसे थे। अच्छा। तो ये देता था और एक एनटीए अभ्यास ऐप, ये तो बहुत हेल्प की इसने मेरी। इसके इसका अगर मैं बताऊं तो कितना दिया होगा मैंने, जस्ट रफली बता, रफली तो 50-70 के बीच में दिया होगा टोटल मेंस का। अच्छा, हाँ उस पे कितना टेस्ट दे सकते हो, कितना अवेलेबल है उस पे? अरे उसमें तो 120 टेस्ट हो गए होंगे लगभग। अच्छा। उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं और मेंस लेवल का पूरा। और तू सजेस्ट करेगा किसी को क्या लेवल कैसी, मतलब उसकी? उसका मेंस के लेवल जैसा ही है, मतलब कि वो मेंस जैसा या मेंस से बढ़कर थोड़ा, मेंस से थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हैं, लेकिन वो जैसे एनटीए ही टेस्ट लेता है और एनटीए वालों ने ही ऐप बनाया है। अच्छा। तो वो वैसे ही ऑफिशियल ऐप है। हाँ वो ऑफिशियल ऐप है, उसमें मेंस का भी है, नीट का भी है और अदर एग्जाम जो भी एनटीए कंडक्ट करवाती है। तो उसका मैंने स्टार्टिंग जब मेरे को पता चला उसका, एम्बाइब का भी मैंने एक दो टेस्ट दिया था, लेकिन उसका उस हिसाब से मींस का उस वक्त वेबसाइट डेवलप नहीं हुई थी एम्बाइब की। मैंने तो एम्बाइब भी दिए थे, मतलब मैंने मॉक्स नहीं दिए थे उसपे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया था। अच्छा अच्छा। वो ऐसा मॉक टाइप दे सकते हो आप, 3 घंटे बैठ के। हाँ, 3 घंटे। वो बहुत सही ऑप्शन है और एम्बाइब अभी भी फ्री है आई गेस। तो किसी को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने ना, तो मैं बुक तो नहीं सजेस्ट करूंगा। बुक में थोड़ा इतना डिसिप्लिन का हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप दे रहे हो बुक से, तो 3 घंटा एकदम प्रॉपर बैठना, वो टिक करना, वो अलग फील होती है। एंड जस्ट लैपटॉप खोल के आपको वहां पे ऑप्शन क्लिक करना, वहां पे टाइमर चल रहा है वहां अगल बगल में, तो वो एकदम फील दे देते आपको रियल जे वाला। हाँ, तो मैं तो वही सजेस्ट करूंगा कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देने वाला है ना, तो एज अ एग्जाम, एज अ मॉक टेस्ट दे। हाँ, एज अ मॉक टेस्ट दे। तो ये एम्बाइब का मैंने स्टार्टिंग में जब किया था ना, उसकी डेवलप नहीं हुई थी साइट, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसका नया वर्जन आया। हाँ, वो नया वर्जन बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा था। उसमें मैंने भी दिया था एम्बाइब का टेस्ट, तो मेंस का भी देता था, बाकी मेंस का मैंने एनटी अभ्यास ऐप दिया था। तो रोज लगभग जब मेंस पास आ गया था तो मेरे चाचू ने कहा था कि अब पेपर देने की आदत होनी चाहिए, पापा ने भी कहा था कि पेपर जितने हाथ से निकल जाएं उतना ही सही है। तो लगभग दिन में 3 तो बहुत मुश्किल से हो पाता था, लेकिन लगभग 3 करने की कोशिश करता था मैं एक दिन में, 3 मॉक टेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर पार्ट 1। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे, तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड एक सजेशन चाहिए था कि ये वीडियो एटलीस्ट 40 मिनट की बन गई थी, तो मैं सोच रहा था कि दो पार्ट्स में डाल दूँ। एंड मुझे यही सजेशन चाहिए कि आपको 20-20 मिनट्स के 2 वीडियोस चाहिए अगले से, या फिर एक ही वीडियो डाल दिया करूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है 20 मिनट का थोड़ा टाइम कंस्टेंट रहता है, आप देख सकते हो 20 मिनट की वीडियो, बट 40 मिनट क्या है फील थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ज़रूर सजेस्ट करना कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 चाहिए या फिर पार्ट 1 ही चाहिए। दैट्स इट, चलो बाय।